आपका प्रश्न है कि पूजा पूजा या प्रार्थनाएं मन में होनी चाहिए, हवन में या मंदिर में जाने से या अनुष्ठान में बैठने से क्या खास फर्क आता है। और साथ ही आपने ये भी निवेदन किया है कि आपके नाम को उल्लेख ना करें। पूजा या परमात्मा तो मन में होना चाहिए और पैसा जेब में, सुख समृद्धि जीवन में, सारा वैभव और विलास आपके घर में, सारा अन्न अनाज दूध दही घी भंडार आपकी रसोई में, और परमात्मा सिर्फ मन में। ये एस्केपिंग्स हैं, ये पलायन के तरीके हैं, ये आलसी मन की खोजें हैं। जब कोई कुछ भी नहीं करना चाहता तो हम इस तरह के प्रलाप या विकल्प चुनते हैं। बहुत से लोग हैं कहते हैं किसी चीज़ को करने में क्या रखा है, भगवान तो मन में होना चाहिए, पूजा तो मन में होनी चाहिए, तो फिर बाकी चीज़ों में भी क्या रखा है। पैसा तो मन में होना चाहिए, बड़ा घर तो मन में होना चाहिए, ए मन में आकृति खींच लीजिए, बहुत बड़ी कोठी में आप रहते हैं, क्या दिक्कत है। एक मन में चित्र बना लीजिए कि बहुत बड़ी गाड़ी लेमोजीन में या पोर्शे में या मर्सिडीज में या रोल्स रॉयस में आपके घर के बाहर खड़ी है, मन में चित्र खींचने में क्या जाता है। आपने बहुत स्वादिष्ट सुस्वाद व्यंजन चखे हैं, मन में सोच लीजिए। आप अपने बहुत ऊंचे पद पर कहीं बैठे हैं, इसको भी अपने मन में ही रखिए कि आप हैं ऐसे, ऐसा नहीं होता। जीवन में जो भी कृत्रिम है, जो भी बनावटी है, उसको आप मूर्त रूप में देखना चाहते हैं, उसको साकार स्वरूप में आत्मसात करना चाहते हैं, उसको जीवन में उसके भोगी बनना चाहते हैं, उसके अनुभोक्ता होना चाहते हैं, उसको अपने अनुभव का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन जो इन सब चीज़ों का कंट्रोलर है, जिसके हाथ में मास्टर रिमोट है, उसको आप सिर्फ प्रकल्प और विकल्पता रखना चाहते हैं, उसको संकल्प तक भी नहीं लाना चाहते आप। आप सोचते मन में है ना भगवान, तो कुछ करने की क्या ज़रूरत है। हर चीज़ मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ा हमें प्रसाद क्या मिला है, हमारे लिए सर्वोत्तम वरदान आखिर है क्या, वो कर्म ही तो है। अगर हम कर्म की स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, तभी तो हम देह से देवता तक पहुंचने के उत्तराधिकारी बनते हैं, अपने इस शरीर से देवत्व तक को स्पर्श करने के अधिकारी बनते हैं, और हमारे पूर्ववर्ती असंख्य लोगों ने इस अनुभव को भोगा है। तो जो चीज जीवन में फलित करना चाहते हैं, उसके लिए सक्रिय प्रयास की आवश्यकता है। मन में खाली सोच लेने से जैसे आपकी जेब में धन नहीं आ जाएगा, ऐसे ही मन में सिर्फ सोच लेने भर से आपके घर में, आपके जीवन में परमात्मा का प्रसाद प्रतिफलित नहीं होगा, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रतिफलित नहीं होगा। आप कुछ कर्म करेंगे, फिर उसके कुछ प्रतिफल, उसके कुछ परिणाम, उसके कुछ पुण्य आपके जीवन में आपको दृष्टिगोचर होंगे। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम प्रदर्शित करना जरूरी नहीं माना जाता, तो परमात्मा को भी तो मन की भाषा समझ आती होगी, उनको हमारे प्रेम प्रदर्शन की आवश्यकता कैसे। ये एक प्रति प्रश्न है। 10 जुलाई 2018 को हमने एक वीडियो डाला था, प्लेस ऑफ गॉड, परमात्मा का स्थान। एक बात चली थी सामान्यतः लोग, किसी ने कहा कि सवाल भेजा कि परमात्मा तो मन में होना चाहिए, उसके प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है, उसको उसके लिए किसी पूजा पाठ की, किसी यज्ञ हवन की भी क्या ज़रूरत है। बात ये बातें सब कहने में सुनने में बड़ी आदर्शात्मक और बहुत प्रभावी लगती हैं, कभी कभी सामान्यतः अच्छा भी लगता है ऐसा सुन करके। पर व्यवहारिक जीवन में मेरा अपना अनुभव यह रहा है कि मैंने देखा है कि हम
इस तरह की बातों को करने वाले अधिकांश लोग औपचारिकता करते हैं अपने रिलीजियस कर्मास के साथ, अपने धार्मिक कर्मों के साथ, अपने जीवन में जो सुकर्म कर सकते हैं उसके साथ औपचारिकता करते हैं, फॉर्मेलिटीज करते हैं। दूसरा एस्केपिंग करते हैं, उससे वो अपने अपने को पलायन की तरफ ले जाते हैं। तीसरा एक चीज और होती है कि जब हम कुछ भी नहीं करना चाहते तो हम इस तरह की बात करते हैं। वो कहती है कि जब जैसे व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम होता है और हम उसको हमें प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती, तो परमात्मा के प्रति भी जो प्रेम है, क्या परमात्मा को इतना भी समझ नहीं आता कि हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं? ये भी बात बहुत अच्छी है और बहुत ऊंचे दर्जे की है। एक अवस्था के बाद साधकों के जीवन में एक अवस्था के बाद ऐसी स्थिति आती है जो रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र है, जो अथर्ववेद का मंत्र है कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मैं मेरा पूरा जीवन ही शिव के संकल्पों से, शुभ संकल्पों से, परमात्मा की दिव्य प्रार्थनाओं से, परमात्मा के भाव से, उसकी स्मृति से, जो कहते हैं श्रुति स्मृति, हर समय सुमिरन, जो नानक देव कहते हैं कि सुमिरन रहे हर बात का, वो सुमिरन मतलब स्मरण ही तो है, स्मरण का ही अपभ्रंश सुमिरन है। तो आपको हर समय उसकी श्रुति बनी रहे, हर समय उसका उसका सुमिरन बना रहे, स्मरण बना रहे, ये बहुत अच्छी भावदशा है। लेकिन सामान्य जीवन में हम जिस तरह के जीवन को आज जी रहे हैं, जैसी कार्यशैली में हैं, जैसी जीवन शैली में हैं, जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में हम सक्रिय हैं, संभव नहीं हो पाता है। व्यक्ति को भी व्यक्ति के बारे में अपने जुड़ाव को, अपने प्रेम को, अपने स्नेह को, अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को, अपने दायित्वों को का बहुत बार बताना पड़ता है, जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और अगर आप बहुत गौर से, जो मैं सदैव कहता हूँ अपने साथ के सब सहयोगियों से कि हम होशपूर्वक नहीं होते, हम अगर होशपूर्वक रहें तो इसका प्रदर्शन आपको प्रतीत होने लगेगा। प्रेम तो बहुत सूक्ष्म धागा है, बहुत महीन एक धागे की डोर है, रेशमी धागे को भी हजार गुना और आप महीन कर दीजिए और नाजुक कर दीजिए, वैसी एक डोर है। सामान्य जीवन के कार्यों में भी हमें अपने संगी साथियों को उन बातों को बार बार जताना, बताना, प्रदर्शित करना पड़ता है जिन बातों से हमारे जीवन के वर्तुल, जिन बातों के से हमारे जीवन के संबंध परस्पर जुड़े होते हैं। महिला घर में एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, महिला घर में भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद उसकी सबसे ज़्यादा चेष्टा इस बात में रहती है कि ये भोजन कैसा बना। बहुत बार आप देखिए कि व्यक्ति ने पहला कौर भी ठीक से निकला भी नहीं है और वो इंतजार कर रही हैं कि अभी तो कोई आंसर आया नहीं है, कुछ तो बोलें, कुछ तो बताएं, और कभी कभी वो ठीक से निकल भी नहीं पाते तब तक तो पूछ भी बैठती हैं। ये एक प्रतिक्रिया है, ये एक जुड़ाव का ही तरीका भी तो है, ये एक तरह की हम जिसके साथ संबद्ध हैं उसके मनोभाव को परखना और जांचना भी तो चाहते हैं। जैसा मैंने पहले इस क्रम के वीडियो के पहले भाग में कहा था कि मनुष्य को जीवन में, जो मद्भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा संतोष क्या मिला, हमें सबसे बड़ा प्रसाद क्या मिला, हमें सबसे बड़ा जीवन, मानवीय जीवन का प्रताप क्या मिला, कर्म को करने की स्वच्छंदता, स्वतंत्रता। या स्वच्छंदता को हम गलत अर्थों में लेते हैं, लेकिन स्वच्छंदता एक्चुअली कर्म के लिए ही होती है वास्तविक अर्थों में। अगर आप किसी भी तरह के भय से मुक्त होकर, किसी भी तरह के लोभ से मुक्त होकर, किसी भी तरह के लाभ से मुक्त होकर जब आप परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ एकाकार होते हैं, तब वो ऊर्जाएं आपके साथ भी एकाकार होती हैं। ये परस्पर है, ये वाइस वर्सा है, ये रेसिप्रोकल है। एक अवस्था अगर जीवन में ऐसी आ जाए कि आप हर समय ही परमात्मा के ध्यान में हों, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, वो सर्वोत्तम अवस्था है, वो जीवन आपका वरदानमय जीवन है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैंने उस बारे में बात को कहा था कि खाली हम कहते हैं मन में रखते हैं, मन में हमारे परमात्मा है, हमारा मन बहुत साफ है, ये आपको लगता है ना कि आपका मन बहुत साफ है। लेकिन अगर जो साफ मन को परखने की कीमियां हैं, साफ मन को जानने की विधियां हैं, अगर उन विधियों से होकर के आप गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन महिला है कि स्वच्छ है, तो उस तक तो हम कभी पहुंचते नहीं। तो मेरा तात्पर्य था, मेरा उद्देश्य था, मेरा लक्ष्य था
कि आप औपचारिकताओं में ना फंसे और अपने जीवन में परमात्मिक ऊर्जाओं को सक्रिय रूप से करने का एक अभियान शुरू करें, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, तो आपके जीवन में एक संस्कार का विकास होगा। संस्कार कर ना करने से कोई फर्क नहीं आता है, पर जीवन वितृष्णाओं की तरफ जाता है, विकारों की तरफ जाता है, नकार की तरफ जाता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है। जिन देशों ने सिर्फ पदार्थ को तरजीह दी है, पदार्थ को मान्यता दी है, वहीं पर सबसे ज्यादा मनोरोगी हैं। पूरा पश्चिम 80% मानसिक रोगों से अवसादग्रस्त है। हर व्यक्ति का प्रश्न मनोचिकित्सक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने पदार्थ को मूल्य दिया, परमात्मा को मूल्य नहीं दिया। और परमात्मा के मूल्यों को अगर आप बहुत समग्र अर्थों में देखेंगे ना, तो उसमें ये कर्मकांड की ऐसी औपचारिकताएं भी नहीं है जिनको सामान्यतः हम अपने जीवन में डाल लेते हैं। और दूसरी बात, हमें परमात्मा तक पहुंचना या उस तक अपनी प्रार्थनाएं करना भी सामान्यतः नहीं आता, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। चूंकि संदर्भित बात है, इसलिए इसमें एक बात और इंसर्ट करता हूं। आरती ज्यादातर करने के बाद हम सोचते हैं कि हमने परमात्मा की प्रार्थना कर ली। आरती ऐसा है जैसे खाने के टेबल पर रखा हुआ फूल का गुलदस्ता या खाने के एक पूरे बुफे में सलाद की छोटी सी प्लेट, लेकिन ये पूरा भोजन नहीं है, ये पूरा कंप्लीट डाइट नहीं है, कंप्लीट आहार नहीं है। जितनी ऊर्जाएं हैं, बहुत तरह की ऊर्जाएं हैं, बहुत तरह की एनर्जी होती है, उन एनर्जी की हर एक की अपनी चांटिंग है, हर एक का मंत्र विज्ञान, हर एक की अपनी विधि है, तो उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हमें जीवन में परिणाम भी नहीं आते हैं। इन सब उलझनों में ना पड़ने की वजह से, और जो इसके कर्ता धरता है, उन्होंने भी इस चीज को थोड़ा उलझा दिया है, इसलिए हम बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप अपनी तरफ से संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो बात और सामान्य अर्थों में सामान्य जनों तक जाती है। हमारी चमड़ी, हमारी संवेदनशीलता, हमारी मानसिक क्षमताएं थिर हो रही हैं, स्थूल हो रही हैं। हम बहुत बारीक संवेदनशीलताओं के साथ आज के जीवन में नहीं हैं। उसका हमारे भोजन की वजह से, समाज की वजह से, हमारे जीवन शैली की वजह से, हम छोटी छोटी बातों को इशारों में अब नहीं समझते हैं। मैं नई पीढ़ी में देख रहा हूँ कि वो बहुत ही थोड़ा सा बुद्धि में एक विकार आ रहा है या ठहराव आ रहा है, वो चाहे फास्ट फूड की वजह से हो, चाहे कोई और वजह हो, तो ऐसे में तो और भी ज़्यादा आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। बहुत से दंपतियों में, बहुत से पति पत्नियों में इसी बात को लेकर संघर्ष है कि वो कम्युनिकेशन नहीं करते, वो बात नहीं करते। और यहाँ तो परम प्रिय को अपनी बात पहुंचाने की बात है। तो आप जब किसी क्रिया में संलग्न होंगे तो संस्कार का विकास होगा, उस सबके जीवन में खुद भी अच्छा लगेगा। कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा आपको एक इसका उदाहरण, एक एग्जांपल टेस्टिंग का तरीका बताता हूं। जब आप कभी भी किसी भी तरह का, चाहे पूर्ण रूप से शास्त्रीय मत से वो नहीं भी है, लेकिन जब भी कभी आप उपकार का कोई कार्य करते हैं, परोपकार का कोई कार्य करते हैं, परमात्मा के प्रति पूजा प्रार्थना का कोई कार्य करते हैं, उसके बाद आपके अंतस में जो विस्तार होता है, उसके बाद सुख की जो अनुभूति होती है, उसके बाद अच्छा अच्छा जो लगता है, और जब आप कुछ भी नहीं करते, हम सोचते हैं मन में, हमने अपने मनों के लिए इतने विषय खोज लिए हैं कि मन में तो परमात्मा फिर सबसे अंतिम पायदान पर चला जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी अवस्था आती ही नहीं कि अपने मन में भी परमात्मा को स्मरण कर पाए, क्योंकि मन की जो कोठरी है, मन का जो बॉक्स है, उसमें तो इतनी झंझट फंसा लिए हैं, उसमें तो इतनी चीजें हमने समा ली हैं, और इतनी चीजों का हमारे ऊपर प्रक्षेपण है, इतने तरह के विचारों का हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि परमात्मा के लिए स्थान ही नहीं बचता। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, जितना संभव हो सके ईश्वर का स्मरण रखिए। आप उन्हें स्मरण में रखेंगे तो वो भी आपको स्मरण में रखेंगे। गुरुजी, मेरे एक परिचित व्यक्ति थे, मैंने ऐसा सुना है कि उनके मुंह से जो परमात्मा को नहीं मानते हैं व्यक्ति, जो बहुत ही ज़्यादा नास्तिक होते हैं, कि जब मुसीबत आती है, दुख का समय आता है, वो लोग उस टाइम पे अगर परमात्मा को याद करते हैं, तो उनका ये तर्क था उस टाइम पे जब मुसीबत थी परमात्मा हमारे साथ नहीं था, तो हम ऐसे किस परमात्मा को माने और क्यों माने जब दुख के टाइम पे परमात्मा साथ नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, वो कर्मों की सजा भी हो सकती है किसी व्यक्ति के, तो ये मेरा प्रश्न है।
दुख में हमारी सुध नहीं ली परमात्मा ने, तो हम उनको क्यों याद करें? सुख में याद किया था क्या? जब आप बहुत सुख में थे उस समय याद किया था क्या? जब आपका जीवन बहुत अच्छा था तब उसको याद किया था क्या? और आप नहीं भी कर रहे हैं तो कोई ईश्वर पर आप एहसान कर रहे हैं क्या? ईश्वर कोई आपके चाकर हैं, आपके नौकर हैं क्या? हम ईश्वर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जैसे वो हमारे कोई गुलाम हैं, और हम आपको, आप बुला रहे हैं तो आप आ जाइए, हम आपको याद नहीं कर रहे हैं तो अपने घर जाइए, और हम आपकी ज़रूरत है तो आप हमारी बात सुनिए, और आप हमारा ही मान, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं आप, और हम इतनी चीज़ें मांग रहे हैं आप क्यों नहीं हमारी बात पूरी करते हैं, हम 125 रुपये का प्रसाद चढ़ा करके आप पर और 125,000 का फ़ायदा करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत गणित तो भगवान को भी आता होगा। इतने कनिंग, इतने श्रूड, इतने चालाक और इतने तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर उसी ने डाला है आपके अंदर, वो जानता है प्रोग्रामिंग कैसे की गई है आपकी, आपके अंदर किस किस तरह की सॉफ्टवेयर को उसने प्लांट किया है, क्योंकि वो महासृजक है, महारचयिता है। आप परमात्मिक ऊर्जाओं के इशारों पर चलने के लिए बाध्य हैं, वो आपके अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है, और आप नहीं याद करते मत कीजिए, क्या बिगड़ता है किसी का? आपका जीवन तो बहुत अच्छा हो ही रहा होगा ना। फिर अगर सुख में याद किया होता तो दुख आता ही नहीं, दुख में परमात्मा था कहाँ, ये कहना ही नहीं पड़ता। क्या अभी भी बताना पड़ेगा? कबीर दास 450 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले सारे ऋषि मुनि कह गए, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख आता इसलिए है कि आप सुख में सुमिरन नहीं करते, सुमिरन माने स्मरण नहीं करते, स्मरण माने स्मृति बोध नहीं है आपका, आप याद नहीं रखते हैं ईश्वर को। खैर, अब तो हम ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां लोग किसी को भी याद नहीं रखते हैं, अपने निकटतम लोगों को, अपने माता पिता को भी याद नहीं रखते हैं लोग, उनके प्रति ही दुराग्रह से भरे हैं, तो ईश्वर तो थोड़ा सा और दूर खड़े हैं, और दो कदम पीछे हैं। तो आप, आपके अपने अपने अवधारणाएं हैं, और अगर कोई आदमी नास्तिकता में रहना चाहता है तो नास्तिक ही रहे। नास्तिक भी गहरे अर्थों में परम आस्तिक होता है, वो अपनी नॉट के साथ, अपनी ना के साथ, अपनी नहीं के साथ खड़ा है, ये उसकी आस्था है, उसकी आस्था नहीं में है, मानना नहीं है, ये उसकी आस्था है। वो होता क्या है, कोई एक तो हमारी जिस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है ना, जिस तरह हम ईश्वर की व्याख्याएं करने वाले लोग बैठे हैं, परमात्मा के, माफ़ कीजिए, जो एजेंट हैं, या परमात्मा के जो वकील हैं, या परमात्मा के नाम के जो ठेकेदार हैं, वो जैसी प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में करते हैं, जिस तरह से चीज़ें आपको समझाते बुझाते और अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए आपको जिस तरह से दिग्भ्रमित करते हैं, उसका भी एक दोष है ये। कि आपको लगता है कि हम इसको नहीं मानते हैं। आपने कहा कि वो विज्ञान के व्यक्ति हैं, विज्ञान को मानते हैं। अगर विज्ञान के व्यक्ति होते तो परमात्मा को जरूर मानते हैं। वैज्ञानिक कितने बड़े विज्ञान को मानने वाले होंगे, वो आइंस्टीन से बड़े नहीं हो सकते, थॉमस अल्वा एडिसन से बड़े नहीं हो सकते, आर्किमिडीज से बड़े नहीं हो सकते, गैलीलियो से बड़े नहीं हो सकते, छोड़िए सबको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़े नहीं हो सकते। आप ही के देश के व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर आइंस्टीन ने अपनी विल में लिखा है कि जब मैं मरूं तो मैं अंतिम प्रयोग अपने ऊपर करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं परमात्मा है कि पदार्थ भी है दुनिया में, मैं तो पदार्थ ही मानता हूं, परमात्मा नाम की, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, और जब मैं मरूं तो मेरी अंतिम सांस के समय मुझे एक ताबूत में, एक कांच के ताबूत में बंद कर दिया जाए। और वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप देखिएगा कि वो ताबूत का एक किनारा चटक गया जब अंतिम सांस लिया आइंस्टीन ने, और उसका अंतिम, उसने कहा मेरा ये अंतिम प्रयोग है, अब लिख देना कि नहीं, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने उस लाइन को उद्धृत किया, और वो टूटा हुआ ताबूत आज भी रखा हुआ है। इतने बड़े तो साइंटिस्ट आप नहीं होंगे, छोड़िए उसको, बहुत सीमित दायरों में हम रहते हैं ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाइए, आपको तो अभी तो पूरी दुनिया का सिर पश्चिम की तरफ है ना, सारे लोग पश्चिमी देशों को, अमेरिका, लंदन, यूके, यूएसए, बड़े ड्रीम आते हैं आपको, बहुत बड़े 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 देश समझते हैं आप उनको, बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, उन्हीं की बात आपको बता रहा हूँ मैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूके में आप जाइए, आज भी फिजिक्स डिपार्टमेंट का नाम मेटाफिजिक्स है, अध्यात्म विज्ञान। विज्ञान ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, और उसकी छोटी सी कड़ी का नाम विज्ञान है। कोई भी विज्ञानी तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वो ज्ञानी नहीं है,
ज्ञान क्या है? किसी चीज का इन्वेंशन करना। विज्ञान किसी चीज को जिस तराजू पर तोलता है, ज्ञान भी उन्हीं अर्थों में कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति करता है। लेकिन ज्ञान विज्ञान से बड़ी चीज है, विज्ञान तो बहुत छोटी चीज है। विज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। विज्ञान तभी तक विज्ञान है जब तक रिसर्च, कहते हैं ना रिसर्च से विज्ञान बना, रिसर्च यानी खोजी हुई चीज को फिर से खोजना, और खोजी चीज किसने है? ज्ञानी ने। तो ज्ञानी जो खोज चुका उसको आप फिर से खोजते हैं। एक बहुत सुंदर प्रतिमा है, उस प्रतिमा के ऊपर से एक मिट्टी चढ़ गई है, आप मिट्टी हटा के फिर से प्रतिमा को देखते हैं, कुछ कालखंड के बाद फिर कुछ मिट्टी चढ़ जाती है, फिर आप हटाकर प्रतिमा को देखते हैं। ज्ञान तो शाश्वत है। इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो अंतिम बिंदु जो आपके हाथ में आएगा वो ज्ञान ही तो है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्रिनिटी, तीन सिद्धांत है ना विज्ञान के, फिजिक्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है इनविजिबल है, और हम कहते हैं ईश्वर अदृश्य है, निराकार है, अजन्मा है, वो भी मानते हैं। और इसमें एक और बात है जो साइंटिस्ट के व्यक्ति उस बात को समझेंगे मेरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की गति को समझा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की गति को समझा नहीं जा सकता, इनविजिबल है वो। यही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ईश्वरीय तत्व के रूप में काम करता है। मोटा मोटी तौर पर समझ में नहीं आएगी आपके बात, कोई भी नहीं समझेगा, पर जो समझदार हैं, जिनको जिनके लिए मैं बात कर रहा हूं, उनके समझ में बात आने लगेगी। पर थोड़े से विज्ञानी भी हैं और थोड़े बहुत ज्ञानी भी हैं। तो ज्ञान होता है अनुभव से, और विज्ञान पैदा होता किसी और के अनुभव की पुनः पुनः परख करने से। ज्ञान प्रकाश का एक सूर्य है, और विज्ञान उस सूर्य की छाया पर किए जाने वाला अन्वेषण है। दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन हमें इसमें नहीं जाना है। नहीं मानते हैं मत मानिए, उनका जीवन देखिएगा, उनका भूत देखिएगा, उनका वर्तमान देखिएगा, उनका भविष्य देखिएगा, उनकी पृष्ठभूमि देखिएगा। और कई बार हम अपने व्यसनों के नाते अपने जीवन में अपने कुछ ओढ़े हुए शौकों को पूरा करने के नाते आस्तिक होने का, कम्युनिस्ट होने का, साम्यवादी होने का, समाजवादी होने का, लिबरल होने का, धर्मनिरपेक्ष होने का एक ढोंग करते हैं। धर्म कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म सापेक्ष ही हो सकता है। धर्म निरपेक्षता जैसी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं, ये सिर्फ काम चलाऊ शब्द है। धर्म निरपेक्ष होता तो धर्म होता ही क्यों? धर्म सापेक्ष होता है। अगर एक धर्म, अब कहते हैं सर्वधर्म संभाव, ये बड़ा बचकाना शब्द है, सभी धर्मों में संभाव ही होता तो सब धर्म क्यों होते? अगर भाव ही सबके एक जैसे होते, क्योंकि हर धर्म के भाव अलग हैं, तो फिर जब सर्वधर्म नहीं है तो सर्वभाव कैसे हो सकता है? सर्वधर्म नहीं है तो संभाव कैसे हो सकता है? समधर्म होते तो संभाव होता, जब धर्म ही सम नहीं है तो भाव सम कैसे हो सकता है? लेकिन ये काम चलाऊ चीजें हैं, राजनीतिज्ञों की पैदा की हुई उलझने हैं, इनमें सामान्य जन पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं। बड़े बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अगर हिंदुत्व से काम चल रहा होता तो क्रिश्चियनिटी क्यों आती? क्रिश्चियनिटी से काम चल रहा होता तो इस्लाम क्यों आता? इस्लाम से ही काम चल रहा होता तो सिखिज्म क्यों आता? सिखिज्म ही पूर्ण होता तो जैनिज्म क्यों आता? जैनिज्म ही पूर्ण होता तो जरथुस्त्री क्या करते? जरथुस्त्री पूरे हो जाए तो आर्य समाज की जरूरत क्या थी? आर्य समाज था तो सिख धर्म की जरूरत क्या थी? ये सब इनमें कुछ पंथ हैं, कुछ धर्म हैं, इनकी हमें इनके बारे में भी समझना जानना चाहिए। इसका मतलब कुछ बात थी जिसमें कुछ नएपन की जरूरत थी। गुरु नानक देव जी श्री कालू मेहता जी के घर जन्मे। कालू मेहता जी हिंदू थे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने एक नई परंपरा का उदय किया, क्योंकि वो परंपरा में उनको असुविधा होने लगी थी अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती कृष्ण जी के घर जन्मे, और कृष्ण जी जो थे वो हिंदू थे, और बहुत बड़े ऐसे थे जिनको आप कह सकते हैं कि अगर हम आर्य समाज की भाषा में समझें तो जैसे वो सनातनी थे, पुरातनी थे, यानी कि पूरे धर्म क्रियाकांड को मानने वाले और सब पूजा पाठ करने वाले थे। लेकिन उनके पुत्र ने उस व्यवस्था में लगा कि इसमें कुछ खोट है, तो एक नई चीज़ का उदय किया। महावीर ने जैन धर्म को के बारे में बात की, जैन धर्म का प्रतिपादन किया, तो वो जन्मे तो हिंदू धर्म में ही थे। मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन मोहम्मद साहब कहाँ जन्मे थे?
जीसस क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियनिटी ने आयाम लिया, लेकिन जीसस क्राइस्ट कहां जन्मे थे? ये कुछ प्रश्न हैं। अगर थोड़ा बोधपूर्वक धर्म को समझेंगे और बोधपूर्वक अपने जीवन को समझेंगे तो सब बातें समझ में आएंगी। बस एक बात ख्याल रखिए, जो नहीं मानता उसे ना मानने दो, उसे सुलझाने ना जाओ। तिब्बत की एक प्राचीन कथा है कि 1000 चलते हैं और एक पहुंचता है। ये जो 999 है ना, ये इन्हीं उलझनों में फंस के अटक जाते हैं। कोई किसी को ठीक करने में लगा हुआ है, कोई किसी नास्तिक को आस्तिक बनाने में लगा हुआ है, कोई कुछ करने में लगा हुआ है, और जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही करने की कोशिश करता है। हम सिर्फ इस मनुष्य योनि में मानव मात्र हो करके पैदा इसलिए हुए हैं कि ईश्वर की स्तुति कर सकें। इसके अलावा हमारे पास कोई भी काम नहीं है, और जो काम आप कर रहे हैं अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ये अभी समझ नहीं आएगा, अंतिम समय में आ जाएगा। जिनके भी हृदय परमात्मा के प्रेम से आप्लावित हैं, जिनके भी हृदय ईश्वरीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं, जिन भी मनुष्यों के मन में, हृदय में, आत्मा में और संज्ञान में सदा सर्वदा उसी चैतन्य का वास है, उसी चैतन्य का आभास है, उनके जीवन सदैव सर्वदा और सर्वत्र सुखमय मिलेंगे, प्रेममय मिलेंगे, आनंदमय मिलेंगे, समृद्धि पूर्ण होंगे, आरोग्य पूर्ण होंगे, शांति पूर्ण होंगे, मित्रता पूर्ण होंगे। सामान्य तौर पर जीवन की जितनी भी सकारात्मक अवस्थाएं हैं, जितनी भी सकारात्मक पर स्थितियां हैं, जितनी भी सकारात्मक स्टेजेस हैं, उनमें आप उनको सदा स्थिर पाएंगे, स्थिर पाएंगे, सुव्यवस्थित पाएंगे, सुनियोजित पाएंगे। लेकिन हम सामान्य तौर पर इस सत्य को, इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम ये मानकर चलते हैं कि परमात्मा को हम टेकन फॉर ग्रांटेड रखें। सभी कामों के लिए हमारे पास कोई ना कोई कारण होता है, या उसकी किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई प्राथमिकता सुनिश्चित रहती है। लेकिन हम ईश्वर को हमेशा आगे और आगे और आगे और आगे स्थगित ही करते जाते हैं। किसी से मित्र से मिलना है तो आप तुरंत समय निकाल लेंगे, कोई बिजनेस की डील है तो आप तुरंत चले जाएंगे, किसी बहुत ही निकटतम और बहुत ही इष्टजन से मुलाकात है तो आप उसके लिए समय निर्धारित कर लेंगे और समय निकाल भी लेंगे। लेकिन अगर पूजा प्रार्थना में बैठना है, ईश्वरीय आराधना में बैठना है, तो उसको आप हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी समय नहीं मिलता ना, क्या करें, समय था ही नहीं, कब करते पूजा? हमारे पास टाइम ही नहीं होता है तो पूजा करें कब? इस तरह के एक्सक्यूजेस, इस तरह के बहाने, इस तरह की मनस्थितियां आपके इर्द गिर्द रहती हैं। गुरु जी, एक मन में ये विचार आ रहा है, जैसे कि कुछ संत कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं कि जो पूर्व की बातों को बताने लगते हैं, जैसे वो वैभव और आगंबर का और आकर्षण का इतना बड़ा केंद्र बन जाता है कि लोग उनके पास जा रहे हैं, तो क्या उनकी आध्यात्मिक जो समृद्धि कायम रह पाती है भक्तों की? एक बात, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो जो सिद्धि, ऐसी सिद्धियां हैं जिनमें आप समय के आर पार देख सकें, आप व्यक्ति के आर पार देख सकें और आप विषय के आर पार देख सकें, वस्तु के आर पार देख सकें और चीजों को कर लें। लेकिन जिनका प्रदर्शन की तरफ आप बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं, उनका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं।
ये सब फ्रॉड बैंड है। लोगों को ठगने का, लोगों को धोखा देने का ही एक प्रकल्प है और एक प्रपंच है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसमें कुछ अभ्यास है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिस को करने के बाद आप भी कर सकते हैं। हम अपने यहाँ चपड़ासी से के हादसे में बबूत गिरवाएंगे, हमारे कोई भी खड़ा होकर आदमी वो सारे काम कर देगा जिनको लेकर के दुनिया को आज लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनमें कुछ चमत्कार नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। एक चावल मांड का आटा थोड़े दिन हाथ पर रगड़ना है, कुछ गोलियां बना करके उंगलियों के बीच में रखनी है, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है आपने। और वो गोल जैसे अब हाथ ऐसे हिलाएंगे वो हाथ गोलियां आपके बीच में आ जाएंगी, फिर आप ऐसे ऐसे करके अपने हाथ से बबूत निकालिए, 50 बातें करिए। किसी को किसी के बारे में कुछ भी पता करने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। हम अपने 10-5 लोग छोड़ देंगे, 50 लोग छोड़ देंगे, देहरादून से ही लोग लग जाएंगे, वो बिल्कुल अजनबी की तरह आपको मिलेंगे। दो आदमी एयरपोर्ट पर खड़े होंगे, जब आपने कहा वो आपको 400 रुपये कम पर आएंगे, आपके साथ 300 रुपये कम पर आएंगे। अब अभी एयरपोर्ट उतरे, आपने कहा कि मैं मुझे मसूरी जाना है, कुछ 5 लोग सर ड्राइवर वहीं खड़े हैं, तो उसमें से किसी से आपने पूछा, उसने कहा 2000 रुपये, एक आदमी उनमें से मिलेगा 1200 रुपये में मैं ले जाऊँगा आपको, आप ड्राइवर ही समझ रहे हैं उसको। वो आपसे ऐसी बातें करनी शुरू करेगा, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं मसूरी, तो आप उससे पूछेंगे आप मसूरी जाते आते रहते, बोले हम तो बहुत कम गए हैं, कभी कभार गए। वो उसे स्टाफ, वो आश्रम का मेंबर है, एक्चुअली आश्रम का स्टाफ है वो, लेकिन वो आपसे फिर आप पूछे आप कहाँ से आए हैं, बोले हम तो इलाहाबाद से आए हैं, बोले आप क्या करते हैं, वकील हैं। फिर वो आपको कुछ ऐसी बातें भी बोलेगा जिससे ऐसा लगेगा कि अध्यात्म के विरुद्ध है, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहे तो बाबा बाबा सब पाखंडी होते हैं, तो वो तो आपको लगे और ज़्यादा लगेगा कि नहीं ये तो आदमी इसका मतलब इसका तो दूसरी तरह का विचार है, लेकिन वो उसी का आदमी है। वो आपसे 5-7 बातें ऐसी पता कर लेगा कि आपका नाम पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। वो मोबाइल पर एक मैसेज भेजेगा बाबा जी को कि विजय कुमार राय हैं, इलाहाबाद से आए हैं, 2 बच्चे हैं इनके, ये वकालत का पेशा करते हैं, इतनी उम्र है, ये है, चश्मा लगाते हैं, इनके घर में ये घटना घटी थी, इनके पिताजी भी ये थे। अब ये मैसेज मेरे पास आ गया, इस मैसेज को मैं पेपर पर लिख कर रख लूँगा अपने पास, और जैसे मैं कहूँगा कि विजय कुमार राय हैं कोई 500 लोगों में, कोई 2000 लोगों में, कोई विजय कुमार राय देखिए कहीं खड़े होने चाहिए, तो वो खड़े हैं बाहर, वो भागा हुआ आदमी आ रहा, आपको लगे ये क्या हुआ, वो ड्राइवर आपको छोड़ के वहीं और गाली बकता हुआ कुछ और उल्टा सीधा करता हुआ ऐसा गया कि आप सोच भी नहीं सकते कभी कि ये इनका एजेंट है। ये लोग छोड़ने पड़ते हैं, ऐसे एक आदमी बीच में बैठा है पब्लिक के बीच में, वो वहाँ पर ऐसी बात कर रहा, हम तो कभी आए नहीं, जबकि वो उनका स्टाफ है, आप पहली बार आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, फिर वो वहाँ से मैसेज कर दे रहा है, जवाब पर्ची लिख के भेज दे रहा है। कोई स्थिति ऐसी नहीं है, कोई क्रियाएं ऐसी नहीं है जिनमें आप लोगों के मनों के ऐसे मस्तिष्क की चीज़ों को पढ़ सकें। हाँ, माइंड रीडिंग एक कला है, लेकिन उसको कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जब संबोधि को उपलब्ध होता है तो चुटकुटपने में नहीं पड़ता है, तो जादूगर कर देगा एक बहुत अच्छा काम। जो कबूतर जो खाली एम्प्टी लोटे में से पानी निकाल रहा है, जो कबूतर उड़ा रहा है एक एक गुलाब के फूल का बना करके, ये तो जादूगर कर सकता है। तो जादूगर में और गुरु में आपको फर्क करना आना चाहिए। ये सारी बातें बताएंगे, ये आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, सामान्य बुद्धि के लोग, सामान्य विवेक के लोग वहीं ठहर जाते हैं बस। ये उससे आगे का कुछ ना बता सकेंगे आपके लिए, ना उससे आगे कोई क्रिया कर सकेंगे आपके लिए, उससे आगे ये क्रिया इनको आती ही नहीं है। कर्ण प्रशासनी, ये कर्ण प्रशासनी अलग ढंग से काम करती है, लेकिन कर्ण प्रशासनी आपकी चाकर नहीं है, आपके नौकर नहीं है कि वो बैठ करके आपने जो ड्यूटी पर लगा दिया और चौकीदार की तरह आपके लिए काम कर रही है। कर्ण प्रशासनी आपको संकेत देती है ब्रह्मांड के बारे में, विश्व दुनिया के बारे में। वो एक दर्जन केले को लाया इसके बारे में नहीं बताएगी आपको, एक नत्थू पंसारी वहाँ खड़ा वो गुटखा खा रहा इसके बारे में नहीं बताएगी। ये सिद्धि का और देवियों का अपमान है, इसका कर्ण प्रशासनी से कोई लेना देना नहीं है। कर्ण प्रशासनी बताती है कि भूलोक में क्या होने वाला है, देवलोक में क्या होने वाला है, पृथ्वीलोक में क्या होने वाला है, मनुष्यों के जीवन में क्या चीज़ें कहाँ हो सकती हैं, जिन इंट्यूशंस के आधार पर सारे ग्रंथों की रचना हुई, जिन इंट्यूशंस के आधार पर सारे पंचांगों की रचना हुई, कब वर्षा अधिक होगी, कहाँ भूस्खलन अधिक होगा, कब भूकंप अधिक होंगे, कहाँ जल प्लावन होगा, कहाँ बाढ़ आएंगी, कहाँ त्रासदी होगी, कहाँ अकाल मृत्यु होगी, कहाँ भुखमरी होगी, कहाँ पर क्या होगा, इस तरह की चीज़ों के बारे में दिव्य शक्तियों के प्रयोग किए जाते हैं। ये बैठ करके ये नहीं बता रही है कि कौन आदमी, अब ये धंधा है एक्चुअली। और जिसने भी इन सब कामों को किया है वो कोई बहुत वो नहीं हुए हैं, और इससे आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी आदमी को कोई काम नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। जहां ये सारी विद्याएं समाप्त होती हैं वहां से हमारी विद्या प्रारंभ होती है। ये लोगों को ठगने का तरीका है, ये तो कोई जादूगर भी कर सकता है। ऐसे ऐसे जादूगर हुए दुनिया में कि अगर वो भारत में होते तो सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हो गए होते। अब इन्हें अध्यात्म का चोला ओढ़ने के लिए कुछ साथ में कुछ कथा करनी पड़ती है, कुछ साथ में सत्संग को लगा लेते हैं, तो भोली भाली जनता है। जैसे कि वो कैचवे को फंसाते हैं कांटे में मछली को पकड़ने के लिए, तो कैचवा तो आहार है, तो वो जो राम कथा हो रही है, वो जो दुनिया भर की प्रवचन हो रहा है, वो तो उसका हिस्सा है। ये जितने भी इस तरह की चमत्कार टाइप की चीज़ें हैं, ये चमत्कार स्फूर्त, ये क्या होता है, सच्चाई में और झूठ में बड़े गहरे, बड़े जमीन आसमान का फर्क होता है, और बहुत
कम फर्क भी होता है, बहुत महीन फर्क भी होता है। बड़े से बड़े झूठ को सच के प्यारों पर ही चलना होता है। तो ये आप एक बार बताइए, आप दुनिया जहन की समस्याओं के बारे में आप बता रहे हैं, आप सब चीजों के बारे में बता रहे हैं, आप अगर आप बता रहे हैं तो फिर तो सारी आर्मी और सारी फोर्सेस को हटा देना चाहिए। इस एक क्या फालतू के लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम में आपको बैठाया हुआ है, आपको ले जाकर के बॉर्डर पर बैठा देना चाहिए, सारे रडार हटा दीजिए, सारी आर्मी हटा दीजिए, सारे लोगों को हटा दीजिए। और अगर ऐसे ही सम्मान और ऐसे वशीकरण करना है तो फिर तो किसी ऐसे आदमी की कि जो जो किम कार्दिसन है, जो इस समय सबसे ज़्यादा महंगी मॉडल है दुनिया की, उसकी फोटो दे देनी चाहिए उनको, बोल इसको सम्मोहित कर दीजिए मेरे बारे में, या ब्रिटेन की महारानी या उनके जो कोई वो मन से कुछ नहीं, सब फ्रॉडमेंट है। ये लोगों को ठगने का एक तरीका है। कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे देश में पाखंड बहुत अधिक है, बोलने वाला कोई है नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा इसको अगर अधिक वेग में बोलूँगा तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये मैंने ऐसे 10-15 लिस्ट बनाई हुई है, इसे मैं कभी अपने यहाँ के जो हमारे चपड़ासी हैं, हमारे यहाँ गार्डन है, हमारे यहाँ ये माली हैं, इन सबसे चमत्कार करवाऊँगा मैं और उसकी वीडियो बनाएंगे हम, और आप भी कर देंगे, ये आपसे करवाएंगे ये सब चीज़ें, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये था क्या। और उसके नाम पर आप लोगों से चंदा काट रहे हैं, आप लोगों को ठग रहे। अरे जब आपके पास कर्ण प्रशासनी ये भी तो बता सकती है कहाँ सोना गड़ा हुआ है, कहाँ हीरे की खदान है, वो ही ले लो ना। फिर को ना फांसों में जा करके जहाँ सारा का सारा हीरे और जहाँ सोने ही सोना है उस आइलैंड को खरीद लो, वो तो आइलैंड 2-4 करोड़ रुपये में मिल जाएगा। आप करोड़ों रुपये चैनल पर भर करके बैठे हैं, सिर्फ ये सब आप क्या कर किस लिए कर रहे हैं सारा का सारा, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि धन को उपार्जित करने के लिए। और ये अलक्ष्मी है, याद रखिएगा, ये सब उसी गति को उपलब्ध होंगे इस गति को बाकी दिखावे वाले गुरु पहुंचे हैं। इसका कोई सदगति नहीं है, इसकी दुर्गति ही है, इसका कोई सद्भाव नहीं है, ये चीजें खराब ही हैं। और हमारे यहाँ ये व्यापार भी नहीं है, इसे व्यापार में तो बड़ा अच्छा, व्यापार शब्द का हम गलत प्रयोग करते हैं। व्यापार में तो क्या होता है कि आपने 10 रुपए की साबुन खरीदी, आपने 12 रुपए की बेच दी, यहाँ तो 10 रुपए की कुछ खरीदा भी नहीं है आपने। ये व्यापार नहीं है, डकैती है, ये छल है, ये ठगी है, ये 420 है। ये आदमी की आंखों में मिर्च झोंकना है, आदमी की आंखों में धूल झोंकना है। और धर्म के नाम पर जो धूल झोंकता है वो धर्मात्मा बैठा हुआ उसको देखता है, बहुत सारे रूप बनाता है ना आदमी। सीता को हरण करने के लिए रावण पराक्रम के रूप में थोड़ी आया था, साधु के वेश में आया था, वहां राजा बनकर नहीं आया था, वहां तलवारें और ताम झाम और भी सेना को लेकर नहीं पहुंचा था। भिक्षाम देही माथा रंग के कपड़े पहन के, ओम नमः शिवाय कर गले में रुद्राक्ष की माला डाल करके, तभी तो छल सकते हो आप। सीता कौन है? सत्व है, सत्य है, जो जीवन में सत्य है, जो सीधा है, सरल है, वो सब सीता है। तो उसको तब छल सकते हो जब आप आवरण भर लें किसी साधु का, किसी अच्छी आत्मा का, तब छल सकते हो। उससे पहले तो लक्ष्मण रेखा से बाहर आएगा ही नहीं कोई। तो ये सब मुखौटे लगाए हुए लोग हैं, तो जो हश्र पहले छलियों का हुआ वही हश्र अब के छलियों का। जैसे एक बार मैं आपका तो मैं 8-10 वीडियो डेली देखता हूँ, तो जैसे आपने कहा था कि आप कहीं जाते हैं दान पुण्य करते हैं, वो किस मंशा से आप साड़ी चढ़ाते हैं, अच्छी से अच्छी चीज करिए, तो वे किस मंशा से इस्तेमाल कर रहा है उसको जाने दीजिए, और आप अपने क्या कर रहे हैं वो परमात्मा से आपका कनेक्शन हो रहा है, वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं आप। तो जैसे ऐसे छली जो समाज में है जिससे कि लोग आकर्षण में, उनके पास लोग जाके दान पुण्य कर रहे हैं, क्या उस देश काल परिस्थिति के तरीके से यहाँ भी वो लागू हुआ कि भाई हर जगह आपको उसका फल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो आपकी अलक्ष्मी है एक्चुअली। ऐसी जगह जाएंगे भी वही, ये आपको बता दें कि जो जिनके पास सात्विक आय है, सच्चा धर्म और पुण्य से अर्जित धन है, वो वहां नहीं जाएंगे, उनके झांसे में आएंगे ही नहीं। जिन्होंने अलक्ष्मी को अर्जित किया है वो वहां जाएंगे, क्योंकि अलक्ष्मी का स्वभाव है क्षरण होना, समाप्त हो जाना। वो कैसी होगी फिर? वो ऐसी तो होगी, वो पहले एक व्यक्ति को विजय माल्या बनाएगी, फिर तो ले जाकर जेल में डाल देगी। पहले वो सुरेश कलमाड़ी बना करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगी, और फिर ले जाकर उसको जीवन जेल में डाल देगी। अलक्ष्मी खत्म कैसे होगी? कभी ना हो सकेगी। और वो कहीं सत्व लक्ष्मी में परिवर्तित ना हो जाए, इसलिए कर्म का विधान बड़ा जरूरी है। तो ये और ये भी जो धनोपार्जन जितना भी कुछ कर रहे हैं आप, धन सीधे सीधे उपार्जित कर लो ना, लोगों की क्या जरूरत है इसमें सबकी? और लोगों के आगे की किसी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते। आप एक कुंडली ले जाइए बनवा करके, बहुत जो ऐसे बड़े महाविज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, सब चीज़ें आर पार देख के बताने वाले लोग हैं, एक कुंडली बनवा लीजिए फेक, उनको बताइए कि आदमी जिंदा है कि मरा, ये आदमी है भी कि नहीं, बस ये बता दो, बाकी छोड़ दो सर।
कोई भी डेट ऑफ बर्थ टाइप करिए, 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए कहीं से भी, 50 रुपए में बन जाएगा। उस प्रिंट आउट को निकालिए और ले जाकर के कहिए, महाराज इसके बारे में बता दीजिए, हमारा परिवार का आदमी है, आपको सारी सत्यता का दर्शन मिलेगा। गुरुजी मेरे दिमाग मेरा प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि धरती धरती माँ जैसे हैं, न्यूट्रल है, धरती माँ में अगर हम अफीम का बीज बोते हैं तो अफीम पैदा होगा, गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं गेहूं फल देगी। एक हवा है, हवा सुगंध भी लेके चलती है और दुर्गंध भी लेके चलती है, न्यूट्रल स्वभाव में है, तो क्या ईश्वर भी न्यूट्रल है? जैसे रामायण, जैसे ये दैत्य लोग जो पूजा करते हैं और एक एक संत पूजा करते हैं, तो दोनों लोगों को वही शक्ति प्रदान करते हैं। रावण जैसे क्या भगवान भोलेनाथ ये नहीं समझते थे कि ये जिस तरीके जो हमसे ले रहे हैं अस्त्र शस्त्र, ये भगवान राम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भगवान वे भी उनको दे दिया दान में उनके तपस्या का, और इधर भगवान राम को भी अपना उन्होंने दिया। तो इसका क्या हम समझे कि हमें न्यूट्रल रहना है, हमें अगर पूजा करनी है तो पूजा चाहे दैत्य करे चाहे संत करे वही फल मिलेगा ईश्वर के यहाँ से? जैसे धरती माँ के यहाँ से अफीम का बीज हुए तो अफीम निकला और गेहूं का बीज गेहूं निकला। ऐसा मैं इसको बताता हूँ, दो दो सवाल है आपके सवाल में। पहला सवाल, आपने कहा कि धरती माँ में हमने धरती में अफीम का बीज बोया तो अफीम की खेती हो गई, गेहूं बोया चना बोया जो चीज बोई उसकी खेती हो गई। सब जगह नहीं, हर स्थान में नहीं, हर देश काल में नहीं, हर परिस्थिति में नहीं। अगर मैं अफीम यहां मसूरी में बोऊंगा तो नहीं होगी, मैं यहां आम बोऊंगा तो नहीं होगा, मैं यहां नीम बोऊंगा तो नहीं होगा, मैं यहां पीपल बोऊंगा तो नहीं होगा, मैं बहुत सारी चीजें यहां बोऊंगा तो नहीं होंगी। लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, रेखांश और अक्षांश, परिस्थितियां, सामग्री, वो सामग्री यानी कि सॉयल ऑफ लैंड, सॉयल ऑफ अर्थ, उस धरती की प्रकृति कैसी है? अब अगर एक वो गीत आता था बहुत पहले, उपकार, या कौन सी फिल्म में था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हर देश की धरती नहीं, हर प्रांत की धरती नहीं, हर जनपद की धरती नहीं। तो ये जो चीजें चुनी निश्चित हुई, इनको परमात्मा ने भी लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, रेखांश और अक्षांश के हिसाब से निर्धारित और निश्चित किया है। ऐसे ही सभी, जैसे उत्तराखंड को और हिमाचल को देवभूमि कहा गया। देवभूमि इसलिए कहा गया कि प्रकृति से आच्छादित है और प्रकृति से संबंधित जीवों से आच्छादित है, प्राणियों से आच्छादित है। मनुष्य के कर्तव्य, मनुष्य के क्रियाकलाप, मनुष्य के अपने मैकेनिज्म इन धरतियों पर कम है। भगवान शिव की नगरी बनारस है, लेकिन भगवान शिव जाकर रहे कैलाश में, वो मुंबई नहीं चुना उन्होंने रहने के लिए, या उन्होंने कोई और जगह नहीं चुनी। तो हर जगह पर हर चीज नहीं पनपती है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। धरती में भी सब चीज सब जगह बो देंगे तो नहीं होगी। अगर जो ब्रह्म कमल हमारे यहां हो रहा है इसे हम जोधपुर में लगाएं तो नहीं होगा, इसे चेन्नई में लगाएं तो नहीं होगा, अगर इसे हम भीमाशंकर में लगाएं तो नहीं होगा, इसे हम त्र्यंबकेश्वर में लगाएं तो भी नहीं होगा। हाँ, केदार में लगाए तो हो जाएगा, केदारनाथ में हो जाएगा, जबकि ज्योतिर्लिंगा में सब जगह शिव का वास है। रामेश्वर में लगाए तो नहीं होगा, बैद्यनाथ में लगाए तो नहीं होगा, यहां होगा। तो एक तो ये बात, इसी के आधार पर मनुष्यों के गुण धर्म निश्चित किए गए। बहुत से जगह की जो बात करते हैं ना, अरे ये बिहार प्रांत के हैं, ये साउथ इंडिया के हैं, ये मुंबई वाले हैं, ये मेरठ वाले हैं, ये अलीगढ़ वाले हैं, ये पहाड़ के हैं, ये वहां, ये अभी भी बड़े गहरे अर्थों में सामान्य ढंग से किसी व्यक्ति के परीक्षण में हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि यार ये था तो वहीं का ना, ये था तो हरियाणा का ही, था तो पंजाब का ही, था तो जम्मू कश्मीर का, या ये तो अफगानी है भाई, या ये तो फलाना है भाई, ये तो नेपाली। अब देखिए, जैसे हम ये शब्द भी प्रयोग करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में चित्र बनता है, हमारे मन मस्तिष्क में पिक्चर क्रिएट हो जाती है स्वतः ही, जबकि उस व्यक्ति को हम ठीक से जानते भी नहीं। पर यानी कि पूर्वाग्रह बड़े लंबे हजारों साल के, सैकड़ों सालों के क्रियाकलापों के बाद निश्चित होते हैं। 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल तक कुछ लोग पर्टिकुलर एक स्थान के रहने वाले एक जैसी प्रकृति जन्य बातें करते हैं,
एक ही जैसी हरकतें, एक ही जैसी प्रवृत्तियां, एक ही जैसी आदतें, एक ही जैसे स्वभाव, एक ही जैसे अच्छे काम या बुरे काम करते हैं, तो धरती का उसमें बड़ा एक योगदान पैदा हो जाता है। सामग्री का जो मैंने इस्तेमाल किया, सामग्री है वायुमंडल, हमारे यहाँ बारिशें रोज हो रही हैं लेकिन देश के बहुत बड़े हिस्से में बारिश नहीं हो रही, तो ये अब हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर जो है शाम को 15 हो जाएगा, 15 से 10 के बीच हो जाएगा, देश में नहीं है बहुत जगह, और हमारे ही देश के ऐसे भी भूभाग हैं जहाँ टेम्परेचर अभी भी माइनस में है शाम को, और ऐसा भी है जहाँ 40 है, तो सब जगह है धरती एक जैसा फल नहीं देती। एक बात, उसकी प्रकृति, उसमें प्रयुक्त होने वाली चीजें, चीजों में यहां वायु पांच तत्व आ गए, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, वहां किस रेशो में सूर्य की उपस्थिति है, किस रेशो में जल की उपस्थिति है, किस रेशो में वहां वायु है, किस रेशो में वहां आकाश का अपना एक गमन है, और आकाश की अवस्था ना वहां पर किस तरह की है, ये सब डिपेंड करता है। तो ये ऐसे, ये इस तरह चलता है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पांचों तत्व जब अपने एक बैलेंस में होते हैं तब जा करके वो चीज वहां उगती है। और दूसरी बात, अब आपने कहा कि हम, दूसरी बात आई प्रार्थना वाली कि क्या एक दैत्य, ये बात कुछ समझ में आई आपके कि इसमें जो पदार्थ में, मतलब हम ऐसे सोचते नहीं, पर धरती में एक प्लांट लगाने के बाद अगर उसमें आप दूध डाल दें, चाणक्य डालता था ना, मट्ठा डालता था कांटों वाले पेड़ों के जड़ में कि जाते हुए कपड़ों में ना फंसे, वो सारे पेड़ मर जाते थे, छाछ डालने से मर जाता है पेड़, साबुन का पानी डालने से पेड़ मर जाता है, लेकिन उसमें अगर खाद डालेंगे, गोबर डालेंगे तो पनपेगा, अच्छा जल डालेंगे तो विकसित होगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे तो खाली धरती उसको संभाले रखेगी, नहीं संभालती है। अब आता है हमारा जीवन, अब कोई व्यक्ति जब साधना के पथ पर चलता है तो वो मैक्सिमम लेवल पर प्योरिटी के साथ चलता है, ज्यादातर लोग प्योरिटी के साथ चलते हैं। जो परिस्थितियां हैं और स्थितियां हैं, व्यक्तियों के प्रभाव हैं, हमारे लोभ, हमारे लाभ, हमारी लालच, हमारे अवसर, हमारे जीवन की छोटी 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 ग्रीड अगर हमारे शुद्ध कर्मास को आच्छादित कर लें, ढक लें, तो हम बहक जाते हैं अपने उस पथ से जिसके लिए हम चले थे। जब रावण ने जितनी भी सिद्धियां अर्जित की उस समय परम सात्विक थे, और वो सारा वो काम करते थे जो कोई भी बड़े से बड़ा प्रिस्ट और बड़े से बड़ा आचार्य नहीं कर सकता है, उतने नीति नियमों को, सब चीजों को मानने वाला रावण था। लेकिन अब क्या होता है, शक्ति के साथ, जैसे मैंने बताया कि शक्ति के साथ पराक्रम, विद्वेष, क्रोध, जो दूसरे डिस्कोर्स में चर्चा कर रहे थे, जैसे अश्व की बात हो रही थी, वो सब प्रकृति जन्य है। जब शक्ति आएगी आप संभाल पाएंगे कि नहीं उसको, ये हमने नहीं सोचा कभी। हम कहते तो हैं हमें भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, हमें माता रानी के दर्शन हो जाएं, हमें, आप झेल पाएंगे क्या, आप उसे संभाल पाएंगे क्या? अभी 220 वाट का करंट लगता है तो आप बहुत देर तक परेशान रहते हैं, और अगर 10 करोड़ वाट का करंट लग जाए तो, जो आकाश है बिजली है उसमें 10 करोड़ वाट का करंट होता है, उसकी वोल्टेज 10 करोड़ होती है, वो चूंकि सेकंड के 1000वें हिस्से में चमकती है इसलिए मैं प्रभावित नहीं कर पाती, अगर वो थोड़ा सा उसके ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए तो भस्म कर दे व्यक्ति को, चीजों को भस्म कर दे, इतना शॉर्ट है उसका समय। तो शक्ति जब आपके पास आई तो शक्ति का, अब यहां अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत गहरी है, अब स्पिरिचुअल, अब रावण का अपने उदाहरण, तो रावण से ही समझाऊंगा, जो विशर्वा थे, विशर्वा ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया, जितना भी उन्होंने विलास और वैभव स्थापित किया, वो छल के आधार पर था, क्योंकि वो, हमने एक डिस्कोर्स में बोला भी था, वो लंका तो भगवान शिव ने बनाई थी पार्वती के लिए, वो रावण विशर्वा के लिए तो थी नहीं, लेकिन वो गए गृह प्रवेश करने, छल से उन्होंने उसको मांग लिया, तो वो उनके काम आनी नहीं थी, और पार्वती का श्राप था कि तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुमने इस तरह से अपने वैभव को ओढ़ा है, तुमने एक भोले देवता की इस तरह से उनको छला है कि उन्होंने कहा कि जो मांगो मैं दूंगा, तो ये नहीं कि आप उनसे कहें कि आप, मैं आपसे कहा कि आप मांगे क्या मांगते हैं, तो आप कहिए अपना मोबाइल भी दे दीजिए, अपनी घड़ी भी दे दीजिए, अपने कपड़े भी उतार दीजिए, तो ये इसमें छल निहित है, इसमें आपकी जरूरत निहित नहीं है, इसमें आप आदमी वचन के वशीभूत होकर तो सब कुछ कर देगा, लेकिन आप चलो कपड़े, घड़ी और मोबाइल, ये सब तो आप दोबारे दूसरे से भी काम चला सकते हो, लेकिन आपने कोई ऐसा एक विश्वकर्मा के माध्यम से जो चीज बनी वो अद्भुत थी, लंका, और देखिए लंका अभी तक उससे उभर नहीं पाई है, ना कभी उभर सकेगी, लंका शाप मुक्त नहीं है अभी भी, जैसे हस्तनापुर शाप मुक्त नहीं है, हस्तनापुर भी कभी उठेगा नहीं, तो ये दो घटनाएं इस तरह की हैं। तो हाँ, इसमें जहां तंत्र आता है, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, तंत्र की प्रकृति सब्जेक्टिव है, वो विषय पर नहीं निर्धारित है,
अगर एक व्यक्ति तंत्र की कोई प्रोसेस कर रहा है, तंत्र यानी क्या है, ऐसा समझिए जैसे आपने गैस पर आग जलाई, आग जलना तंत्र है। अब ये चाहे कोई लेडीज जलाए, चाहे कोई बूढ़ा जलाए, चाहे कोई बीमार आदमी जलाए, चाहे कोई मांसाहारी जलाए, चाहे कोई कसाई जलाए, चाहे कोई पृष्ठ जलाए, आग गैस का स्वभाव है जलना, वो जल गई। अब जलने के बाद उस पर जो हाथ आप लगा रहे हैं, हाथ जो भी लगाए उसकी प्रकृति है उसको जलाना। वो ये लिहाज नहीं करेगी कि बहुत सुंदर स्त्री है बुझ जाए कि नहीं मैं तो इसको तो नहीं जलाती मैं, और कोई बहुत दुष्ट आदमी तो और थोड़ा फ्लेम तेज कर दे, नेवर, वो जैसी है वैसी रहेगी। तो तंत्र में कुछ ऐसी प्रोसीजर हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जो भी करता है वो उसको प्राप्त होता है, वो उसको प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया कि आग जलाए, कोई भी जलाए, उसको आग का आग पे भोजन पकाना पका सकता है वो। तो जो तंत्र में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स में आते हैं, कि उन सीक्रेट्स को कोई भी व्यक्ति, पर उसमें क्या होता है, अब जो मैंने बीच की जर्नी आपको बताई, कुछ में जो वाग देवी हमारी षोडश देवियां हैं, 16 मुख्य देवी में वैसे 64 योगिनी हैं, ये 64 की 64 योगिनी आपके इर्द गिर्द भटकना शुरू हो जाती है। आपने साधना प्रारंभ की नहीं, सुंदर स्त्रियों का समावेश आपके आसपास होना शुरू हो गया। आपने साधना प्रारंभ की नहीं, आपके पास सोना चांदी पैसे हीरे मोती सब आने शुरू हो गए। आपने साधना शुरू की नहीं, आपके पास शराब पीने वाले, मतलब वो सारे पथ आपके लिए खुलने लगे जो आपको पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। अब यहां जो कर्म का सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अब यहां आप अगर एक रस्सी पर चल रहे हैं नट की तरह तो अपने लक्ष्य को पहुंच जाएंगे, वरना आप पहुंच नहीं पाते हैं और 100 में से 99 गिर जाते हैं। 100 में से 99 गुरु भी गिर जाते हैं, आपको जानकर अचंभा होगा। शुरुआत वो ठीक ही करते हैं, लेकिन ये बीच में आने वाले प्रलोभन, बीच में आने वाली व्यवस्थाएं, अब इनमें कुछ चीजों में जैसे हमने जान के कुछ चीजों से विरक्ति रखी है। मेरे पास मुख्यमंत्री आके बैठने लगे, मैं उसको, वो मेरे पास आएगा उसका काम होगा जरूर, प्रधानमंत्री आने लगे उसका काम भी होगा जरूर। मैंने प्रधानमंत्री कम आए इसकी व्यवस्था ज्यादा की है, मेरे पास मुख्यमंत्री कम आए मैंने इसकी व्यवस्था ज्यादा की है, मैं उससे बचा हूं उस चीज से, वो आएगा अब वो मुझे काम बताएगा, मैं उसका काम ईश्वर के माध्यम से उसका काम हो जाएगा, ऐसा समझिए। अब वो ग्रेटिट्यूड के नाते या किसी एहसान के नाते या धन्यवाद की तरह से जैसे भी कुछ ऐसा काम करेगा जो उसके नाते ठीक होगा, लेकिन हो सकता मेरे नाते ठीक ना हो। वो कहे कि आपके पास अभी कम जगह है, आपके पास में 50 बीघा जमीन है, मैं इसमें 450 बीघा जमीन और आपको दे देता हूं जो 99 साल की लीज पर है। अब आप फंस गए, अब पहला छल्ला आपके ऊपर गिरा। वो मेले में देखते थे ना, साबुन पर फेंकते थे, कभी किसी चीज खिलौने पर फेंकते थे, जिस पर छल्ला पड़ गया वही आपकी। अब यहां से फंसाव शुरू हो जाता है, अब आप गिरे एक कदम आप उतर गए नीचे, ऐसे 50 काम आपके लिए वो करेगा, फिर आप उसके भी काम करते जाएंगे, बस अब आप ये आ गई एक 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 कला, एक विद्या आई, एक देवी आई, उसने आपको पथ भ्रष्ट कर दिया। तो इसमें आप करते भी करते रहें और उससे विलग भी रहें, समुद्र में उतरे तो लेकिन गीले ना हों, ये बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। और जरूरतों के संसार में, बाकी चीजों के संसार में, तो हम जब शुद्ध भाव से किसी चीज में, किसी पूजा प्रार्थना में जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ पूजा पाठ करते हैं, बहुत शुद्ध हृदय से करते हैं, बहुत अच्छे से शुरू करते हैं और उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। फल मिलते ही उनके अंदर एक अहंकार आने लगता है, उन्हें लगता है शायद मैंने इस देवी देवता या इस गुरु या इस विद्या को या इस ताकत को मैंने साध लिया है, मैं जो मर्जी कर सकता हूं, बस अब आप गिरे। अब एक एग्जामिनेशन में आप टॉप करेंगे, दूसरे में फेल हो जाएंगे, एक चीज में आपको बहुत कुछ मिलेगा, दूसरे जगह आप हार जाएंगे। एक मकान खरीदेंगे तो बहुत सुखपूर्ण रहेंगे, जैसे दूसरा मकान खरीदेंगे तो आपका आप झगड़े टाटे में झंझट में फंस जाएंगे। तो ये इसके बीच में जो बारीक एक रेखा है वो हम कई बार नहीं देख पाते, और वो भी ईश्वरीय। जो आपने कहा कि क्या ईश्वर को ये नहीं समझ थी कि इनको देना है कि नहीं, ईश्वर ने तो कहा कि तुम करिए, मैं तो तथास्तु हूं, मैं तो जल है, जल आचमन ओसामा बिन लादेन भी कर रहा है, बराक ओबामा भी कर रहा है, नरेंद्र मोदी भी कर रहा है, और कोई और भी कर रहा है। वो तो जो भी जल पी रहा है, गंगा तो मुड़ेगी नहीं ना वहां से, कि वो कहने नहीं मैं इधर तो लुखी चढ़, अब ये कोई आ गया तो मैं इधर की तरफ से गंदगी कर दूं और दूसरा आया तो शुद्ध कर, उसका स्वभाव है बहना। तो ईश्वरीय जो ताकतें हैं, ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ्य है, वो तो सबके लिए उपलब्ध है, अब उसे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। और फिर इस्तेमाल करते 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 कितना आपका अपना नियंत्रण, अब यह संस्कार आ जाते हैं, आपकी पीढ़ियां आ जाती हैं, आपका डीएनए आरएनए आता है, आपकी वंशानुगत श्रेणियां आती हैं, आपके पुराने बुजुर्गों के किए हुए क्रियाकलाप आते हैं, उनके पुण्यकर्म, उनके पाप कर्म आते हैं,
आपके स्वयं की आत्मा के संचित कर्म आते हैं कि इन जन्मों में आपने क्या क्या कृत्य किस तरह से किए, वो सब चीजें आती हैं। अब आत्मा का कोई सॉल का कोई जेंडर नहीं है। जब आप स्त्री थे कई जन्मों में, तो स्त्री बनके पुरुषों के साथ जो आपने व्यवहार किया, अब पुरुष होकर के स्त्री आपके साथ वही व्यवहार कर रही है। तो ये चीजें बड़े गहरे लेवल पर चलती हैं। इनमें जो आत्मबोध को उपलब्ध है, जो संबोधि को उपलब्ध है, जो सधा हुआ व्यक्ति है, जो होश पूर्वक है, वो अपने कृत्य के आर पार देखता है। किसी भी कृत्य को करते समय वो उसका साक्षी बनता है और बहुत ध्यानपूर्वक उस कृत्य को करता है। सामान्य जन उसको नहीं कर पाते और कई बार भावावेश में, कई बार किसी से किसी ईर्षा में, कई बार द्वेष में, कई बार ईर्षा अपने लाभ में, लोभ में, हम बहुत सारे कृत्यों में शामिल होते चले जाते हैं। वहां से हमारा पतन की पराकाष्ठाएं और पतन की चीजें प्रारंभ होती हैं। इनमें एक बात और है, कर्ण ने सीखी विद्या, तो कर्ण ने विद्या सीखी परशुराम से, तो परशुराम ने उसी समय श्राप दे दिया जब उन्हें पता चला कि आपने छल से सीखी है, कि तुमने मुझसे सीख तो लिया है, ये सब ये पराक्रम तक रहेगी, ये विजय को उपलब्ध ना हो सकेगी, आप इससे विजेता ना हो सकेंगे। और वही हुआ, वो भूल ही गए कि मुझे क्या करना है, और वो उसी समय उनका वध कर दिया गया अर्जुन ने जो किया। तो शक्ति को पता होता मूल में ही, आपको देगी जरूर आपके वैभव के लिए, प्रदर्शन के लिए, लेकिन उसका सदुपयोग आप कर ना सकेंगे, इसलिए वो कुछ समय रहेगी, फिर बाद में स्वतः ही छलित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देवीय गुणों के साथ रहने वाली चीजें सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। अब जो रघु हुए, रघु के समय से रघुकुल चला, श्री राम तो उनकी 40-50वीं पीढ़ी में है, 40-50वें वंशज हैं श्री राम, तब तक उस सब तो चल रहा है। हरिश्चंद्र उन्हीं के कुल से हैं, कब हरिश्चंद्र हुए, कब श्री राम हुए, तो ये सारा का सारा कभी छरित नहीं होता। हमारे पूर्वजों के जो कृत्य हैं, हमारे बुजुर्गों के कृत्य, हमारे खुद के जो काम हैं, हाँ इसमें कुछ चीजें हैं, उसके बाद ऐसी लिमिटेशंस हैं। जैसे एक राक्षस है, आपने वो बात एक और चीज कोट की कि राक्षस भी, वो राक्षस साधना कर ना सकेगा, वो मांस खाकर बैठेगा तो साधना फलीभूति ना होगी। राक्षस मदिरा पान करके बैठेगा तो वो साधने की ऊंचाई को कभी पहुंच ही ना सकेगा। वो 4 सीढ़ी तो चढ़ेगा, लेकिन 40 सीढ़ी कभी ना चढ़ सकेगा, 36 तो अधूरी ही रह जानी है, 4 सीढ़ी जितना ही उसको प्राप्त होगा, तो 40 सीढ़ी जितना कभी ना प्राप्त होगा। 40 सीढ़ी प्राप्त होने के बाद ही जो देह में है वो देवता हो जाता है, फिर मनुष्य ही देवता हो जाता है, मनुष्य ही फिर परमात्मिक स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, उसके सारे कृत्य ऐसे हो जाते हैं, फिर देव योनि में ही चला जाता है, शरीर भी देव योनि में चला जाता है, जैसे मीरा गई, जैसे चैतन्य महाप्रभु गए, वो कभी वो उनका पता ही नहीं है किसी को, वो ज्योत से ज्योत समा गई, वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गए, बस जैसे गले से लगे कि एक ही मूर्ति रह गई, देखा पलट के लोगों ने आके खोल के देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, ना मीरा मिली ना चैतन्य महाप्रभु मिले, कहां गए किसी को आज तक पता नहीं। तो फिर वो देवता उनका वर्णन करते, ये पूरा हमारा उल्लेख आता है शास्त्रों में कि जब आप, और ये बड़ा इसके बीच के जो पग हैं बड़े कठिन हैं, उनमें बगला मुखी हैं, उनमें तारा हैं, उनमें सोडसी हैं, उनमें कमला हैं, उनमें लक्ष्मी हैं, बहुत सारी देवियां हैं, छिन्नमस्ता हैं, तो वो क्या करेंगी, वो आपके ये आपके एग्जामिनेशंस हैं, बस यहाँ हम डगमगा जाते हैं, कभी कोई 4वीं सीढ़ी पे, कोई 12वीं सीढ़ी पे, कोई 25, मतलब उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर टोटल 40 सीढ़ी हैं, मैंने एक उदाहरण बोला, ऐसी कोई 40 है नहीं, पर अगर हम माने कि 40 है, तो उनमें 40 तक जो पहुंच गया फिर वो श्री राम है, तो 40 को टच कर गया वो फिर दे तो मनुज योनि में ही तो थे ना, फिर वो श्री कृष्ण है, फिर परशुराम है, फिर वो प्रजापति हैं, वो फिर विश्वकर्मा है, वो हैं कि जो फिर देह से और देवता तक की यात्रा को पूरा कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा गहरा सा फर्क है, तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा, जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, ये सदा सर्वदा रही हैं, सदा सर्वदा रहेंगी, लेकिन इनके कृत्य में भी, इनकी जो संरचना है उस संरचना में भी दोष के साथ ही पैदा होती है, दोष ही रहता है, शुद्ध सात्विकता से कभी नहीं हो सकती है। तो जो इस्लाम का जैसे एक प्रादुर्भाव हुआ और इस्लाम का जो पूरी एक कल्चर है, तो मोहम्मद साहब ने कहा, आपने उसमें ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बोला, आपने अपने अली के साथ जो उनका संवाद है उसमें कहा कि मेरा धर्म 500 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, उसके बाद लोगों को दुख देगा, और वही हुआ 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक ठीक चला, और 9वीं शताब्दी के बाद से तो सब गड़बड़ी है, क्योंकि फिर हम उसे दूसरी तरह से समझने लगते हैं चीज़ों को।